हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? सब बढ़िया चल रही है पढ़ाई? मजे में? मस्त सब काम चल रहा है? देखो बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अगले वीडियो में आ गए हैं, और इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब 9 10th क्लास में जिसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक है ना रेशियोज कहते थे, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक, है ना। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पहले भी पढ़ते थे 9 10th क्लास में। अब हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं, है ना, क्योंकि ये फंक्शन की तरह ही बिहेव करते हैं। अब फंक्शन क्या होता है ये डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, तो बेटा मैंने पहले भी कहा था कि बहुत अच्छा होगा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले फंक्शन को पढ़िए, पूरी मैथ्स को पढ़ने से पहले बहुत अच्छा होगा फंक्शन को पढ़िए, है ना। फंक्शन को आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट देखो अपलोड मैंने की हुई है। क्लास 11 के लिए अलग है, क्लास 12 के लिए अलग है। हाँ, क्लास 11 का फंक्शन आप पहले पढ़ लेंगे 11 क्लास में तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर 11 के साथ साथ 12 का फंक्शन भी पढ़ लेंगे तब तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उससे आपके पूरे मैथ्स के बेसिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो खैर चलिए, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, है ना, तो हमारा टॉपिक आज का क्या है बोलो? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखो मान लीजिए अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो क्या होता है बच्चों, ये मान लो एंगल 90 का है, तो इसमें हम जानते हैं कि मान लो अगर हम ये एंगल फॉर एग्जांपल थीटा लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये मान लो सी है, ठीक है, तो ये होता है हाइपोटेनियस। और अगर इसको थीटा मान रहे हैं, इसको एंगल ले रहे हैं, तो ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, जिसको पी कहते हैं और इसको बी कहते हैं और इसको हाइपोटेनियस मतलब एच कहते हैं, ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पर। तो अब देखो जैसे अगर हम साइन थीटा निकालें, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पी का मतलब क्या हो गया बोलो? ए बी, और एच का मतलब क्या हो गया बोलो? बी सी। तो ये हो जाता है यहाँ पर साइन थीटा। अच्छा अगर मान लो हम कॉस थीटा निकालें, तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देखो ये हो जाता है बेस, बेस का मतलब हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेनियस का मतलब देखो हो जाएगा यहां से बी सी, ठीक है। अच्छा अगर मान लो हम लोग फॉर एग्जाम्पल टेन थीटा निकालें, तो टेन थीटा होता है पहली बात तो क्या कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, हमेशा ध्यान रखें, और ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, साइन बाई कॉस। तो साइन थीटा की वैल्यू पुट करें तो पी बाई एच डिवाइड बाई बी बाई एच, तो क्या हो जाएगा बोलो? पी बाई बी, यानी पी बाई बी का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बोलो? ए बी, और बेस कितना है बोलो? ए सी, है ना, ये परपेंडिकुलर है ए बी और बेस कितना है बोलो? एसी। अच्छा इसके बाद अगर हम लोग कॉट थीटा निकालें, तो ये होता है 1/10 थीटा, 10 थीटा का उल्टा, और ये हो जाएगा बोलो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस क्या है? कॉस है देखो बी बाई एच, और साइन क्या है? साइन है देखो पी बाई एच, एच से एस कटेगा तो बी बाई पी हो जाएगा। बी, बी का मतलब बेस, बेस का मतलब क्या हो गया? ए सी, और पी, पी का मतलब क्या हो गया बोलो? ए बी, है ना, बेस, बेस का मतलब क्या हो गया? ए सी, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया बोलो? ए बी। अच्छा अब देखो इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, कॉस का मतलब ये बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी, ठीक है। एच, एच का मतलब क्या हो गया? हाइपोटेनियस, यानी कि देखो बी सी, ठीक है, और बी, बी का मतलब क्या हो गया? बेस, यानी कि ए सी, ठीक है।
और इसके बाद देखो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो 1/sin θ, है ना। कॉसेक क्या होता है बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन देखो ये P/H है, तो देखो ये H/P हो जाएगा, H/P, ठीक है, ये H/P हो जाएगा। H का मतलब हाइपोटेनियस यानी कि BC, ठीक है, और P का मतलब देखो क्या हो गया, AB, ठीक है। अच्छा तो देखो बच्चों एक्चुअली ये क्या होता है, दो साइड्स का हमेशा रेशो होते हैं, जैसे कि देखो साइन थीटा क्या है, इसका और इसका रेशो, तो इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हम लोग कहते थे अर्लियर क्लासेस में, मतलब 9th और 10th में हम लोग इसको पढ़ते थे। अब इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है, इसलिए थीटा की जगह एक्स लिया जाता है। जैसे अब हम पढ़ते हैं वाई बराबर साइन एक्स, तो एक फंक्शन की तरह, ठीक है, वाई बराबर कॉस एक्स टेन एक्स, तो जब फंक्शन आता है तो फंक्शन में क्या होता है, डोमेन और रेंज भी आता है। अब देखो इसलिए बेटा बार बार मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन को पढ़ लीजिए, वहाँ फंक्शन में भी मैंने ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत डिटेल से पढ़ाए हुए हैं, इनके ग्राफ डोमेन रेंज ये सब बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इससे बहुत आइडिया लगेगा, क्योंकि वो कंपटीशन में वही सब पूछा जाता है डोमेन रेंज रिलेटेड। और 11th क्लास में जरूर फार्मूले वगैरह पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कंपटीशन क्लासेस में वो हमसे डोमेन और रेंज की ही बात करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन को पढ़ लीजिए, उसमें सारी चीजें पहले से ही हैं, बस समझे बच्चों। अच्छा अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये तो बेसिक फार्मूले हो गए। अच्छा अब देखो इसके अलावा कुछ और बातें, तो अब ध्यान रखना ज्यादातर हम लोग साइन थीटा की जगह साइन एक्स का यूज करेंगे, थीटा की जगह एक्स लेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, है ना, मतलब वही है। अगर हम साइन एक्स लेंगे तब भी वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही होगा। एक्स एक्स का मतलब एंगल को एक्स मान लो, जैसे यहाँ पर थीटा माना ना एंगल को, तो एंगल को एक्स मान लो। इसी प्रकार कॉस एक्स फिर टेन एक्स, इनकी बात हम करेंगे, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, बस थीटा की जगह एक्स आएगा, है ना। एक्स का मतलब कहीं ना कहीं फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन से है, लिखो जरा बच्चों इसको पहले ध्यान से। देखो जैसे क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं बेटा, जैसे कि मान लो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लें और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लें तो इसकी वैल्यू 1 होती है, बस समझे। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना। ये क्या है बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी का मतलब होता है जो सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं x+1=x+1, तो ये एक आइडेंटिटी है, इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी रखो दोनों साइड हमेशा बराबर होंगी, हमेशा। तो इसका मतलब ये x की सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, इसलिए ये एक आइडेंटिटी है। इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब जैसे मान लो मैं लिखूं x+1=3, अब देखो ये इक्वेशन है क्योंकि ये केवल और केवल x=2 के लिए ही ट्रू होगी, सबके लिए ट्रू नहीं होगी। तो इक्वेशन जो है वो एक या दो वैल्यू के लिए ट्रू होती है, जबकि आइडेंटिटी x की सारी वैल्यू के लिए ट्रू होती है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्योंकि थीटा इसमें कुछ भी रखें ये सही होगी हमेशा, थीटा चाहे हम कोई भी एंगल ले लें, थीटा यहाँ पर क्या होता है एंगल। अब एंगल चाहे डिग्री में लें चाहे रेडियन में लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस समझे। तो थीटा मतलब हम यहाँ पर कोई भी एंगल ले लेंगे तो ये हमेशा सही होगा, चाहे हम 30 डिग्री ले लें, चाहे 31 डिग्री ले लें, चाहे 2 डिग्री ले लें, चाहे 1 डिग्री ले लें, चाहे 1,00,000 डिग्री ले लें, चाहे 90 डिग्री ले लें, कुछ भी ले लें, ये हमेशा सही होगा। देखो ये कहाँ से आया, इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको ले। साइन थीटा क्या है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो AB/BC है, तो AB/BC का स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या है बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो AC/BC का स्क्वायर, ठीक है। देखो BC² आ गया LCM, क्या बच गया, AB का स्क्वायर
प्लस ए सी का स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या बन गया, बी सी स्क्वायर बन गया। और नीचे भी देखो बी सी के स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, क्योंकि देखो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद देखो एक और आइडेंटिटी होती है जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी एक प्रकार की आइडेंटिटी है, मतलब थीटा की सारी वैल्यू कैलकुलेट करो, इसको ही प्रूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बिल्कुल सेम मेथड से। अच्छा, इसके बाद आता है देखो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये भी अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये भी थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी, और इसको प्रूफ करना है तो फिर यही मेथड हम लगा सकते हैं। बस समझे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसको लेके चले 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cot थीटा क्या है बोलो, cot थीटा क्या है बोलो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। LCM लें तो AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, तो क्या होगा बोलो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। अच्छा, बी सी अपॉन ए बी क्या है समझो, बी सी अपॉन ए बी ये बनेगा कॉसेक थीटा, तो देखो ये आ गया कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, है ना, बी सी अपॉन ए बी, बी सी का मतलब हाइपोटेनियस और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन AB क्या बनेगा cosec थीटा, और उसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बस समझे, तो बच्चों ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज जो हमने पहले भी पढ़ी होंगी, है ना, तो इनको हम याद रखेंगे हमेशा, ठीक है ना, इनका यूज हर जगह होगा। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, मंगल भवन अमंगलहारी दबहु सदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। ठीक है बच्चों, देखो अब जैसे कुछ स्टार्टिंग के एंगल होते हैं जिनकी वैल्यूज हमको मालूम होनी चाहिए। देखो जैसे क्या होता है, यहां पर बनाते हैं देखो इसको, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखो सबसे पहले आता है एंगल 0 डिग्री, फिर आता है बोलो 30 डिग्री, फिर आता है बोलो 45 डिग्री, फिर आता है बोलो 60 डिग्री, और फिर आता है बोलो 90 डिग्री। देखो जैसे इन सब की वैल्यूज हमको मालूम होनी चाहिए। देखो क्या होता बच्चों, साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, मतलब जैसे साइन ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, है ना, मतलब एंगल की वैल्यूज, साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2, समझे, तो जैसे साइन 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा 1/√2, 60 डिग्री हो जाएगा √3/2, और 90 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसको भी याद रखें। अब देखो इसी का उल्टा करेंगे तो कॉस इसे यहाँ ले आएंगे, ये यहाँ ले आएंगे, ये यहीं रहेगा, ये यहाँ जाएगा,
और ये यहां जाएगा, मतलब cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री रूट 3 बाई 2, cos 45 1 बाई रूट 2, cos 60 1 बाई 2, cos 90 0, बस समझे। अच्छा अब देखो tan में क्या होता है, tan होता है sin बाई cos, है ना, tan थीटा हम लोगों ने पढ़ा, ये होता है sin थीटा बाई cos थीटा। जैसे कि मान लो tan 0 डिग्री है तो हो गया sin 0 अपॉन cos 0, साइन जीरो कितना हो गया जीरो, कॉस जीरो बन तो वैल्यू जीरो, बस समझे। अब टेन थर्टी निकालना है तो इसको इससे डिवाइड कर दो, है ना, साइन थर्टी अपॉन कॉस थर्टी, तो क्या बचेगा वन बाई रूट थ्री। टेन फोर्टी फाइव निकालना है इसको इससे डिवाइड कर दो तो वन, टेन सिक्सटी निकालना है इसको इससे डिवाइड करो तो रूट थ्री, टेन नाइनटी निकालना है तो वन बाई जीरो, और वन बाई जीरो क्या होता है नॉट डिफाइंड, कुछ लोग इसको इनफाइनाइट भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा सही है यहां पर हम नॉट डिफाइंड लिखे, ठीक है, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, बस समझे। तो टेन नाइनटी जो है बेटा ये नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी कहना ठीक नहीं है, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में अंतर होता है, बस समझे। क्या अंतर होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, परेशान मत हो, भी आगे चल के लिमिट टॉपिक जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर ये चीजें हम लोग डिटेल से सीखेंगे, अभी आप समझ नहीं पाओगे चीजों को, या मैंने ग्राफ में आपको देखो इसका मतलब समझाया होगा कि tan 90 को अनडिफाइंड क्यों कहा जाता। जब मैंने tan फंक्शन का ग्राफ बनाया होगा ना फंक्शन टॉपिक में, फंक्शन टॉपिक में बेटा ये सब सीखने को मिलेगा हमको, tan का जब मैंने ग्राफ बनाया होगा तो वहां बताया था कि इनफाइनाइट में और नॉट डिफाइंड में क्या अंतर होता है, तो ये सब बातें हम ग्राफ में बहुत डिटेल से सीख चुके हैं फंक्शन में, तो फंक्शन को पढ़ना बेटा पहले जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा अब देखो cot में आ जाए, तो cot में देखो क्या है कि tan का उल्टा लिख दे, मतलब ये यहां लिख दे, फिर ये देखो यहां लिख दे, ये यही रहेगा, ये यहां लिख दे और ये यहां लिख दे, या cot में cos upon sin भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो cos को sin से डिवाइड करो 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रूट थ्री, इसको इससे डिवाइड करेंगे वन, इसको इससे डिवाइड करेंगे वन बाई रूट थ्री, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जीरो, ठीक है। अब देखो sec, sec क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, जैसे कि वन है तो वन का उल्टा वन ही रहेगा, इसका उल्टा क्या होगा टू बाई रूट थ्री होगा, इसका उल्टा क्या होगा रूट टू होगा, इसका उल्टा क्या होगा टू होगा, और जीरो का उल्टा क्या होगा बोलो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। अब देखो कॉसेक में चाहे तो साइन का रेसिप्रोकल करें या इसका उल्टा लिखें, देखो ये नॉट डिफाइंड यहां लिख दें और ये टू यहां लिख दें, ये रूट टू यहां लिख दें, ये यहां लिख दें और ये यहां लिख दें, या देखो ऐसे करें कि जब आप जीरो का रेसिप्रोकल करोगे क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल टू, इसका रेसिप्रोकल रूट टू, इसका रेसिप्रोकल टू बाई रूट थ्री और वन का रेसिप्रोकल वन ही रहेगा। तो ये बेटा स्टार्टिंग की जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ये हमें सारी की सारी आनी चाहिए, ठीक है, ये हमें मालूम होनी चाहिए, ये हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए, और अगर भूल जाएंगे तो कैसे निकालना ये हमने आपको बताया। भाई साइन को याद रखिए तो उससे कॉस भी आ जाएगा तुरंत दिमाग में, ठीक है, और साइन कॉस आ जाएगा तो बाकी सब आ जाएंगे, टेन क्या होता है साइन बाई कॉस, कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन, समझे, sec क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, cosec क्या होता है sin का रेसिप्रोकल, ये सारी बातें देखो मैंने आपको समझाई यहाँ डिटेल से, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लेना, मस्त होकर पढ़ाई करना, पढ़ाई बेटा हमेशा खुशियों के लिए की जाती है, रोने धोने के लिए नहीं की जाती, ध्यान रखना, है ना, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हमेशा मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं पालना, चलो फटाफट लिखो जल्दी से। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, ओ मेरी बिनती सुने तो जानू मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में तुझको मैं
कर दूंगा बदनाम। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो उसके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फंक्शंस हैं, उनके बारे में पढ़ा। और मैंने बताया बेटा कि आप, अच्छा होगा पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले फंक्शन टॉपिक को पढ़ लीजिए, क्योंकि जो सीक्वेंस एनसीईआरटी में दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होगा कि फंक्शन पहले पढ़िए, वहाँ पर डोमेन रेंज के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं। हालांकि बेसिक फंक्शन के ग्राफ मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको, लेकिन वहाँ जो ग्राफ बता दिए हैं और जो वहाँ तरीका है, वहाँ जो एक सीक्वेंस है, वो बहुत गजब है फंक्शन में, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन का माहौल था। अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर तो फंक्शन का नहीं है, केवल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना। हालांकि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप केवल 11 क्लास पास करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ग्राफ का कोई यूज़ नहीं है। अगर केवल 11 क्लास करना चाहते हैं, तो यहाँ तो कुछ फार्मूले याद करो और मस्त हो जाओ। लेकिन अगर आप आईआईटी करना चाहते हैं, तो फिर आपको प्रॉपर फंक्शन पूरा आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और देखेंगे कि भाई बड़े बड़े एंगल की वैल्यू कैसे निकाली जाए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।